हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और अब हम जनरल का अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कराएंगे, जो कि हम एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक है हमारी डॉक्टर आरसी अग्रवाल जी की, उसी से हम सारे न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं। एक भी प्रश्न मैंने छोड़ा नहीं है। अगर कॉमर्स में कहीं दिक्कत होती है, हमारे ऑफिस का व्हाट्सअप नंबर है 9719811001, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हो कोई अगर प्रॉब्लम है, और पीडीएफ भी आपको यहीं से मिलेंगे। तो यहां पर मैं बताऊं क्वेश्चन नंबर 19 को किस तरह से हमें सॉल्व करना है, देखेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये नगद छूट और व्यापारिक छूट दोनों वाला क्वेश्चन है। तो व्यापारिक छूट का मैं बताऊं, कहीं पर भी लेखा नहीं होता है। लेखा किसका होता है? नगद छूट का होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं बताऊं, हर एंट्री में इन्होंने एक सिस्टम से कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास किया है। अगर आप पहले न्यूमेरिकल से लेकर के और यहां तक के न्यूमेरिकल को अगर देख लेंगे, और तो समझ लो पीछे का सारा आपका कवर हो जाएगा। 90% जो आपका जनरल है यहां तक कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, निम्न व्यवहारों से जनरल प्रविष्टियां कीजिए, किसी का नाम नहीं दिया है। तो ऊपर लिखेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स, आप कोई भी नाम अगर दिया हुआ नहीं है तो आप अपनी तरफ से कोई भी नाम डाल सकते हो अगर आप चाहते हो तो, और ना डालना चाहो तो यहां डैश डैश करके दिखा भी सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहली एंट्री है जनवरी 1 के लिए, तो हमने भी डाल दिया 2020 और जनवरी 1 के लिए। कह रहा राम से व्यापारिक कटौती या वो 10% व्यापारिक कटौती और 2.5% नगद कटौती पर 8000 मूल्य का नगद माल खरीदा। भाई जब नगद माल खरीदा तो राम से तो मतलब ही नहीं रहा, तो सीधे एंट्री होनी है। क्या एंट्री होनी है? परचेज अकाउंट डेबिट। नगद देंगे तो टू कैश अकाउंट, नगद छूट भी लगी हुई है तो टू डिस्काउंट अकाउंट, इस तरह से होगी। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेस्ड। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेस्ड, कितने रुपए का गुड्स इन्होंने परचेज किया है देखेंगे। देखो माल तो इनका 8000 का था, 8000 का 10% छूट पे 10% निकालोगे 800 आती है, 8000 में से 800 घटाएंगे तो 7200 बचेंगे। 7200 का 2.5/100 यानी 2.5% कौन सी छूट है? नगद छूट है। नगद छूट को घटाएंगे तो ये जो दो जीरो से हैं ये दो जीरो कट जाएंगे। 25 दूनी 50 होता, 25 7 175 और 5 180 और एक के बाद में पॉइंट लगा तो 180 रुपये डिस्काउंट आ गई भाई। तो हम आपको बताएं यहाँ पर तो पड़ेंगे 7200 और यहाँ डिस्काउंट के आगे पड़ेंगे कितने रुपये पड़ेंगे 180, और यहाँ पर 7200 में से 180 को आपको लेस करना होगा। तो 7200 में से 180 को लेस करेंगे तो 7020 रुपये बचेंगे। अब आप सीखिए, ये एंट्री एक पूरी हो चुकी है। परचेज अकाउंट डेबिट, माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट, नगद खरीद रहे हैं तो टू कैश अकाउंट, और डिस्काउंट ले रहे हैं तो टू डिस्काउंट अकाउंट। अगर हम किसी से लेते हैं डिस्काउंट, फायदा होता है, और फायदा हमेशा कहाँ? क्रेडिट में। हम किसी को डिस्काउंट देंगे तो यही डिस्काउंट है, कहाँ आएगी? डेबिट में आएगी। अगला देखते हैं, अगली एंट्री देखते हैं। अगला है जनवरी 8 के लिए, तो आप लिखिएगा जनवरी 8 के लिए। देखो कोई नरेश है, नरेश से 10% व्यापारिक कटौती पर 6000 सूची मूल्य का माल खरीदा। अब भाई देखो नरेश जी हैं जिनसे 10% कटौती पर हमने माल खरीदा है, तो पहले तो खरीद ही लो। एंट्री कर लीजिएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू नरेश बीइंग गुड्स, अब की नगद नहीं है, परचेज्ड फ्रॉम नरेश। ओके, नरेश से माल खरीदा, कितने रुपए का खरीदा है? तो 6000 का, 6000 का 10% छूट पे, तो 10% का मतलब होता है सीधे 10/100, एक जीरो से ये, इस जीरो से ये, तो 600 रुपए डिस्काउंट आ गया। यार 6000 में से 600 घटाएंगे तो बचेगा 5400, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी 5400 और यहाँ पर भी 5400, इस तरह से ये एंट्री यहाँ पर सेट हो जाएगी। अगली तीसरी एंट्री है, नरेश को 500 रुपए सूची मूल्य का माल लौट आया। भाई नरेश हैं, अब हम नरेश के लिए 500 रुपये सूची मूल्य का माल लौटाया, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। यहाँ पर क्या करेंगे, किसको लौटा रहे हैं? नरेश, अभी खरीदा था अभी लौटा रहे हैं, तो ठीक है। जब उन्होंने हमें दिया था तो नरेश क्रेडिट हुए थे, अब हम नरेश को ही वापस कर रहे हैं तो पाने वाला ऋणी होता है। डेट जरा एक बार देख लेंगे, डेट है 9, यानी यहाँ पर जनवरी 9 आ जाएगा। नरेश को वापस कर रहे हैं तो नरेश डेबिट टू, परचेज करके लाए थे वही तो वापस कर रहे हैं, तो टू
परचेज रिटर्न अकाउंट, नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू नरेश, यानी नरेश के लिए हमने जो माल है वो क्या किया, वापस किया। अब थोड़ा सा समझना ये होगा कि हमने जो वापस किया है वो कितने मूल्य का किया है, 500 रुपये का किया है। तो 500 में 10% तो छूटी थी, यानी 10% का मतलब है जीरो से ये कटा, तो यानी 50 रुपये तो छूट थी। तो 500 में से 50 रुपये लेस करेंगे तो बचेंगे कितने, 450। ये इधर का जो वर्किंग नोट है ये देखते चलिएगा किस तरह से हम कर रहे हैं, ठीक है। ये पहले का था, ये दूसरे का था, ये तीसरी एंट्री का था। तो 50 रुपये आ गया तो यहाँ पर बचे कितने, 450 और 450, ठीक है। यानी 500 में से 50 रुपये तो छूटी थी, तो यहाँ पर 450 का माल हमने उसे वापस किया। वो कह रहा कि सूची मूल्य का, तो सूची मूल्य तो पूरा मूल्य है ना, उसमें 10% हमें क्या मिल गया था, डिस्काउंट मिल गया था, ठीक है। अगला देखिएगा, मदन को 5% व्यापारिक कटौती, 1% नगद कटौती, यानी बट्टा पर 4000 मूल्य का नगद माल बेचा। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। अब हम माल बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, मदन को, 5% व्यापारिक कटौती, 1% नगद कटौती पर 4000 मूल्य का नगद माल बेचा है। भाई नगद माल बेचा है तो हमारे पास में एक बात है निश्चित कि कैश आ रहा होगा, तो जाहिर सी बात है कि 100% यहाँ पर एंट्री बनेगी जाकर के कैश अकाउंट डेबिट। अब वो 1% डिस्काउंट ले रहा है तो यहां पर करेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। बहुत से टीचर हैं डिस्काउंट अलाउड करके लिखते हैं, कोई फर्क नहीं है, डिस्काउंट अकाउंट का मतलब डिस्काउंट अलाउड ही होता है टू सेल्स अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन, लिख सकते हो यहां पर डिस्काउंट, यानी छूट पर माल बेचा, ठीक है। ये भी लिख सकते हो 1% कैश डिस्काउंट पे माल बेचा। डेट इसकी कौन सी है, डेट है 14, तो यहाँ पर जनवरी लिखेंगे 14। अमाउंट किस तरह से निकालेंगे, ये चीज़ इसमें विशेष है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर हमने लाइन खींच दी और यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो वो कह रहा था 4000 का है, ठीक है, 4000 का मूल्य है, तो हम भाई 4000 इस तरह से लिख लेंगे, माइनस करेंगे 5% डिस्काउंट, तो 4×5=20, 200 कम हो गए, बचे कितने, 3800। इस 3800 रुपये में से हमको क्या करना है कि डिस्काउंट भी कैश डिस्काउंट देना है, तो सेल्स के आगे तो आपको डाल देना है, कितना डाल देना है, 3800 यहाँ पर, ठीक है। अब देखो बुक में क्या कह रहा है, 3800 में से यहाँ पर कह रहा मदन को 5% व्यापारिक कटौती तथा 1% नगद कटौती पर 4000 का मूल्य बेचा, तो 4000 का 5% घटाया 200 आया, 2800 रह गए, 3800 का 1% मतलब इसे क्या देना है, नगद छूट देना है। तो अब हमें क्या करना होगा, 3800 का 1/100 कर दो, 2 जीरो, यानी नगद छूट हमें 3800 रुपये मात्र देनी है। तो जो डिस्काउंट अकाउंट है यहाँ पर लिखना है मात्र 3800 रुपये, 3800 में से 3800 रुपये घटाएंगे तो 3700 कितना बचेगा, 62 रुपये, ठीक है, 3762 रुपये। अब ये एंट्री आपकी एकदम कैलकुलेशन में कैसी हो गई, करेक्ट हो गई, ठीक है, 3762 रुपये। अगला क्वेश्चन, अगली एंट्री है इसकी 18 तारीख के लिए है। रतन को 2000 रुपये मूल्य का 5% व्यापारिक कटौती पर तथा 1% नगद कटौती पर बेचा और उसने 50% राशि अदा की, ठीक है। तो यहाँ पर 50% जो अमाउंट है वो मिल पाई है। तो पहले तो रतन को माल बेचो, ठीक है, जब रतन को माल बेचेंगे तो एंट्री क्या होगी, रतन डेबिट होगा, क्योंकि यहाँ पर कैश तो पूरा मिल नहीं रहा है, अमाउंट 50% मिल रही है, ठीक है, 1% नगद कटौती भी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ किस तरह से समझाऊँ जहाँ समझ में आ जाए, चलिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह यहाँ निकाल लेते हैं। देखो अमाउंट कितनी है इसकी, अमाउंट है 2000 रुपये की, तो यहाँ पर इस तरह से लिखो कितने हज़ार, 2000 माइनस 5% छूट घटानी है, तो 5% छूट घटाएंगे 2000 में से, तो इस तरह से निकालना होगा 2000 का 5/100, 2 जीरो, 20×5=100, 2000 में से 100 रुपये घटा देंगे तो बचेंगे कितने, 1900। इन 1900 में से आधा कैश मिल रहा है और आधा उधार मतलब वो ले रहा है, यही तो है। रतन को, फिर से सुनो, रतन को 2000 मूल्य का 5% व्यापारिक कटौती पर
तथा 1% नगद कटौती बट्टा पर माल बेचा और उसने 50% जो राशि है वो अदा की है, ठीक है, अदा करने दीजिएगा। तो हम आपको बताएं यहाँ पर देखो किस तरह से डालोगे अमाउंट के लिए, जो यहाँ अमाउंट निकल करके आई है 1900 की, उसके लिए करेंगे जब हमें कैश मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब वो कुछ छूट भी लेगा इसमें से तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, आधे पैसे दे नहीं रहा है तो रिली हो जाएगा कौन, रतन डेबिट और टू क्या सेल्स अकाउंट। इस तरह से ये एंट्री बनेगी। अमाउंट डालोगे उससे पहले नरेशन कर दें, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रतन, ठीक है। किस तरह से ये अमाउंट आ रही है ये समझना बहुत जरूरी है। डेट क्या थी इसमें, डेट थी 18, तो यहां पर डालेंगे जनवरी कितनी 18। अमाउंट डालना सीखो, फिर से सीखो। यहां पर 2000 का माल था, 100 रुपए की कटौती है तो 1900 बचे, इसका मतलब सेल्स अकाउंट में जाएंगे कितने 1900, यानी 1900। 1900 में वो आधे पैसे देगा नहीं, इसका मतलब है कि वो कितने नहीं देगा, उतने से ही रतन डेबिट हो जाएगा। रतन नहीं दे रहा है 950, क्योंकि 9 दूनी 18 होते हैं और जो 100 बचे उनके आधे 50 होते हैं, तो इस तरह से 950 आधे हो गए। अब आधा पेमेंट कर रहा है, वो भी उसमें से 1% डिस्काउंट ले ले रहा है। अब आधा कितना कर रहा है, 950 का ही तो कर रहा है, इस 950 के पेमेंट में से माइनस करना है 1%, तो 950 का गुणा 1/100 करो, 20 से पॉइंट यहाँ 9.5 रुपये आए, तो 9.50 रुपये उसको डिस्काउंट मिल गई, तो यहां पर लिखेंगे 9.50 रुपये तो गए किसमें, डिस्काउंट में। अब 950 में से 9.50 रुपये जब घटाएंगे तो यहां पर बचेगा 940.50 रुपये। अब ये सब इन तीनों का टोटल करके देखेंगे तो ये 1900 होना चाहिए। अगर ये 1900 हो रहा है इसका मतलब है सही है ये, ओके। अब अगला लास्ट एंट्री हमारी बची हुई है, लास्ट एंट्री में क्या कह रहा है, नरेश को पूर्ण भुगतान में 4900 दिए, ठीक है, कोई व्यक्ति नरेश है उसको हमने 4900 दिए, 4900 है 4950 है 4900 दिए, ठीक है। देखो है कहां पर नरेश, किधर हैं, हमने ये है यहां पर देखो, इनसे हमने 5400 का माल खरीदा था, ठीक है, 5400 का माल खरीदा था, 450 का हमने इन्हें वापस कर दिया। जब हमने 5400 का माल खरीदा, 450 का हमने इन्हें वापस कर दिया, इसका मतलब है इनको देने कितने रह गए, इनको देने के लिए पैसा रह गया 5400 में से 450 को लेस कर दो। यहां पर जब इनमें से ये जाएंगे तो 4950 रुपये ये अभी देने को रह गए थे, लेकिन वो कह रहा है कि इसमें रुपए उसको कितने दिए हैं, रुपए दिए हैं 4900 दिए हैं, 4900 दिए हैं, ठीक है, नरेश के लिए। तो एंट्री क्या होगी यहां पर समझा दूं, मैं ना दिखूं कोई बात नहीं है, एंट्री होगी भाई नरेश डेबिट, ठीक, जितना कैश दे रहे हैं टू कैश अकाउंट और जो कम दे रहे हैं टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। अब यहां पर नरेश तो डेबिट होंगे 4950 से, ठीक है, 4950 से, और हम दे रहे हैं उसे 4950 की जगह 4900 ही, तो कैश में डालोगे 4900। अरे इधर वाली एंट्री है, गड़बड़ ना करें, थोड़ा वाइप कर देते हैं जिससे आप समझ जाओ अच्छे से। नरेश डेबिट हो गए 4950 से, कैश दे रहे हैं हम मात्र 4900, तो डिस्काउंट अपने आप निकल के आ गया कितने रुपए, 50 रुपए। नरेशन में लिखेंगे बीइंग पेमेंट गिवन टू कौन है, नरेश। इस तरह से ये पूरा जो क्वेश्चन है लास्ट तक हो चुका है, और इस क्वेश्चन में जो जनरल एंट्री का जब आप टोटल लगाओगे तो ये जो टोटल आएगा 23700, आप करके देख लीजिएगा, आंसर इसका आएगा लास्ट में दोनों ओर का जब टोटल करेंगे तो 23700 और 23700। आपका अगर
मिल जाता है तो जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और ये कौन सी अमाउंट किस तरह से आई, इसके लिए एक बार हम और स्पेशली समझा दें। सबसे पहले हमने 8000 का माल खरीदा, 10% छूट पे खरीदा, तो 8000 का 10% कम किया, 800, 7200 बचे, ये 7200 डाल दिए। इसमें से 2.5% नगद छूट है, तो 7200 पे ही हमने 2.5% काटा। किस तरह से काटा, 7200 का 2.5/100 वो अपने आप आ गया कितने रुपए, 180। अब 7200 में से हम 180 जैसे ही घटाएंगे वैसे ही अमाउंट बचेगी 7020, एक एंट्री डन हो गई। दूसरे वाले में हमने 6000 का माल खरीदा था 10% छूट पे, और 6000 का माल 10% छूट पे 600 कम कर लो तो 5400 और 5400 हो गए। अगला माल है हमारा, हमने क्या किया है, नरेश के लिए माल बेचा है और सॉरी नरेश के लिए माल लौटाया है, नरेश के लिए माल लौटाया तो हमने 500 का लौटाया, तो ऐसे करके निकालो 500 का था 10% उस पर छूट थी, 50 रुपये तो छूटी हो गई। हम कह रहे हैं 500 का लौटाया तो 50 रुपया उसमें से छूट के कम हो गए थे, तो 450 का ही मुख्य माल तो गया, क्योंकि हमने खरीदा था तो 10% कम में मिला था हमें, तो अब यहाँ वापस कर रहे हैं तब भी 10% कम में ही जाएगा। अगला है जब हमें कैश मिला यहाँ पर, तो ये किस तरह से आया, ये 14 के लिए देखना होगा, यहाँ पर 14वें के लिए 14 एंट्री पर क्या था, हाँ मदन को 5% व्यापारिक और 1% नगद बट्टे पर 4000 का माल बेचा। भैया 4000 का माल बेचा तो हमने कहाँ पर समझाया इसके लिए, देखो यहाँ समझाया 4000 का माल 5% छूट पे 200 कम कर लो, 3800 बचे, 3800 रुपये तो हमारे दिखाने होंगे यहाँ पर, देखो सेल्स में बिक्री हुई 3800 की, 1% छूट दी तो 3800 रुपये हमारे आ गए यहाँ पर, 3800 में से 38 गए तो ये हमारे ये बचे 3762, वो हमने लिख दिए यहाँ पर। अगला है अगली एंट्री में था रतन को 2000 का माल 5% व्यापारिक कटौती 1% नगद कटौती पर बेचा है, तो 2000 में से जब हम 5% कम करेंगे 100 कम हो गए, 1900 बचे, तो यहाँ पर जब दिखाओगे तो किस तरह से लिखोगे कि 1900 का हमने सेल किया, तो ये टू सेल्स अकाउंट में तो गए कहाँ से 1900, आधा हमें नगद मिल रहा है तो ये हमारे नगद वाले हो गए, और आधा वो दे नहीं रहा उधार तो ये 950 रह गए। लिखोगे कैसे, जितना नगद दे रहा है कैसे अकाउंट डेबिट, नगद वाले में डिस्काउंट ले रहा है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, जितने दे नहीं रहा है तो वो रतन डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हमने करी 1900 की, 950 उसने दिए नहीं, और 950 में से 1% उसने छूट ले ली 9.50 रुपये, बाकी हमें 940 रुपये 50 पैसे मिल गए। और लास्ट में नरेश को पूर्ण भुगतान में हमने 4900 दिए, तो सीधे लिखो नरेश डेबिट और टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट, कुछ 4950 देने थे और दिए हमने कितने, मात्र 4900 ही, तो जो 50 रुपये हमने ज़्यादा कम दिए हैं वही हमारी क्या हो गई, डिस्काउंट हो गई। इस तरह से ये प्रश्न मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया और समझा के पढ़ाया, कितना समझ में आया जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।